अरे मानिवर पंडित जी, मानिवर से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने के उद्देश्य से क्या मांग की है रामायण मेला। हमने यहाँ पर, चूंकि ये सामाजिक समरसता की भूमि है और प्रभु राम ने यही अपने जिंदगी में, इन्होंने जब यहाँ केवट की नगरी में आए हैं, केवट को गले लगाया है और सामाजिक सद्भावना उस समय भी बहुत तगड़ी थी। अब हम लोग जरूर कहते हैं कि यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा, जबकि उस समय नहीं था। जिस गुरुकुल में राजकुमार राम पढ़ा करते थे, उसी गुरुकुल में राजकुमार निषाद राज गुरु भी पढ़ा करते थे। उस समय जब असमानता नहीं, तो आज कैसे असमानता हो गई? आज हम असमानता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई असमानता नहीं थी, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। निषाद राज्य के चरण छुओ, यही भगवान राम से हमें क्षमा करा सकते हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट के बेटों ने निषाद राज्य के चरणबंधन भी किए थे, यह समरसता की भूमि है। यह भगवान राम और भगवान निषाद राज और श्रृंगी ऋषि जी के मिलन की भूमि है, उनके उत्पत्ति की भूमि है, गंगा मैया का पावन तट है। मैं बहुत बातें करना है, लेकिन आज यह विराट रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक खुशी की खबर मैं आप सबको यहाँ जरूर आज देना चाहूंगा। अब यहाँ पर जिसकी चर्चा मैं लोकसभा के सांसद के रूप में किया करता था, भगवान राम का और निषाद राज जी का जो मित्रता का, समरसता का, गले से मिलन का चित्र है, उसकी योजना बन गई है। और यहाँ पर एक बड़ी जमीन को अधिग्रहित करने या व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी इलाहाबाद प्रयागराज के, उन पर निर्देश भी दिया गया है और यहाँ इसकी तैयारी हो रही है। और रामायण मेले के लिए मैं आप सबको रामायण मेला आयोजन समिति के लिए भी यह बताऊंगा कि प्रदेश सरकार की ओर से मेले की व्यवस्था के लिए भी 10 लाख रुपए की व्यवस्था, अलग से भी 15 लाख रुपए की व्यवस्था अलग से आपको किए जाने का भी प्रबंध हुआ है। वैसे भी या तो सब लोग जानते हैं रामायण के माध्यम से, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से, लेकिन अब घाट का जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम और निषाद राज के विग्रह के लगाने की तैयारी है, जिस प्रकार से यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का, संत ब्लॉक का और सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, जो विद्युतीकरण की व्यवस्था हुई है, मैं समझता हूँ श्रृंगेरपुर सहित आसपास की जनता भी इसका स्वागत करेगी और यह श्रृंगेरपुर धाम इस पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा। और आने वाले समय में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस वे है, उसका लिंक एक्सप्रेस वे जो प्रयागराज या श्रृंगेरपुर होते हुए झूसी में जाकर टर्मिनेट होगा, वह भी यहाँ से बनने जा रहा है। आज के आप सभी कुछ संतों का मैं हृदय से चरण वंदन करके नमन करते हुए, आए हुए राम भक्तों का अभिनंदन करते हुए, रामायण मेला जो शुरू हो रहा है, यह सकुशल संपन्न हो, इसके लिए शुभकामना प्रकट करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आज इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आज केशव भैया के सानिध्य में इस कार्यक्रम में आकर आप सबका स्नेह और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगामी जो कुंभ की तैयारी है, उसके चलते मैं केशव जी के सानिध्य में आप सबके शुभाशीष से दोबारा उनसे ये कहा गया है कि रामायण मेला जिसने आयोजित किया, वही संस्थान लंबे समय के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित करेगी, ताकि कुछ लम्हे नहीं, कुछ घड़ियां नहीं, कुछ क्षण नहीं, बल्कि एक पूरा दिन आप सबकी सेवा में मैं समर्पित कर पाऊँ, ऐसी अभिलाषा के साथ देखती हूँ। जैसे केजे भैया कहते अपनी वाणी को विराम, बोलो।